टीवी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं। प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें, फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं। फिर आपके सामने नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम में आज हम चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण की। जी हां, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी के बयान के बाद से एक बार फिर से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या राम मंदिर का निर्माण इस कार्यकाल में हो जाएगा। राम नाईक जी ने भी साफ कहा है कि हर एक हिंदुस्तानी के डीएनए में राम है और इसे बदला नहीं जा सकता है। एनडीए की मोदी सरकार के एक बार फिर से पावर में आने के बाद से लोगों की जो एक इच्छा है राम मंदिर बनाने की और एक जो प्रत्याशा है इतने दिनों से कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसको लेकर के लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है और लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसी कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो जाए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उसमें सबसे पहले दिल्ली से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे विनोद बंसल जी, और विनोद बंसल के साथ लखनऊ से हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब जुड़ेंगे जो कि बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक हैं और मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। इसके अलावा फोन लाइन पे हमसे और भी बहुत सारे गेस्ट जुड़ेंगे जिनमें बीजेपी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जीवन में राम का डीएनए है, आप इसको कभी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। राम की पार्टी, राम के नेता, फिर भी पड़ा है काम अधूरा। अयोध्या में क्या बन पाएगा रामलला का मंदिर? जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको सुनाएंगे वीएचपी नेता प्रवीण तोगरिया की बाइट जो कि राम मंदिर के निर्माण से संबंधित है। ये बाइट कुछ पुरानी जरूर है लेकिन प्रासंगिक है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। आएंगे जब अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का काम पूरा होगा और आप सभी बंधु माताएं बने हुए नए भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करोगे। इसलिए कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा और किसी ने नहीं चाहा तो भी यह देश का हिंदू समाज मंदिर बनाकर रखेगा। इसलिए मंदिर बनेगा हिंदुओं की श्रद्धा के आधार पर। जी हां, तो तोगरिया साहब की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राम नाईक जी ने बयान दिया है। पिछले दिनों भी बयान दिया था और कल भी उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुस्तानी के डीएनए में राम बसा हुआ है। तो देखते हैं राम नाईक जी ने क्या कहा है। लोगों के नजर में अच्छा पुत्र होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। अच्छा भाई होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? राम जैसे होना चाहिए। अच्छा पति होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। और इसलिए राम ने देश के सामने एक आदर्श निर्माण किया है। और सरकार ने अब भाजपा पुरस्कृत सरकार होने के बाद भी राम मंदिर नहीं बना है तो क्या करेंगे? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर ख्याल कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो विषय है
वो सर्वसम्मति से सुलझाने का उनका एक प्रयास है और मैं भी शुभेच्छा देता हूँ, आप भी उनको शुभेच्छा दीजिए कि लोगों के मन में ये जो विषय है उस विषय का समाधान 5 वर्षों में करने का प्रयास करें। इतना ही समय पर इस विषय के बारे में मैं कह सकता हूँ। पुत्र हो तो कैसा राम के जैसा, राजा हो कैसा तो राम के जैसा, यानी राम हमारे जीवन में इस प्रकार से, जिसको कहते हैं ना आजकल के अंग्रेजी भाषा में, भारतीयों के जीवन में तो राम का डीएनए है। आप किसी को भी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। जी हाँ, हमारे डीएनए में राम है, ऐसा राम नाइक जी कह रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी रचना मिश्रा भी हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और लखनऊ से जफरयाब जिलानी साहब। क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जिलानी साहब क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। जिलानी साहब, जिस तरीके से राम नाइक जी लगातार राम के संबंध में, राम मंदिर के निर्माण के संबंध में बाइट देते रहे हैं, और इससे पहले प्रवीण तोमर या बीएचपी या बजरंग दल की तरफ से भी इस तरीके की मांगे उठती रही हैं, क्या आपको लगता है कि जब से मोदी सरकार पावर में आई है तब से लोगों की जो है एक इच्छा है और एक तरह से कहीं जो प्रत्याशा बढ़ गई है कि ये राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, अभी जो राम नाइक जी की बाइट है उसके संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर के जी लगता है संपर्क तकनीकी खराबी की वजह से नहीं हो पा रहा है, आवाज हमारे साथ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ और भी कई मेहमान मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से राम नाइक का राम के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हर हिंदुस्तान के खून में राम का डीएनए है, तो इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और अगर बात करें, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से। जी हाँ, विनोद बंसल जी जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली से। विनोद बंसल जी के पास चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी विनोद जी, बताएं जिस तरह की तरीके से राम नाइक जी ने एक बार फिर से ये कहा है कि हम हर एक हिंदुस्तानी के डीएनए में राम है, इससे पहले भी वो बयान देते रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में ही मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए, क्या आपको लगता है, आपकी उम्मीदें भी बढ़ी है कि मोदी सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए? मुकेश जी, बड़ा एक गंभीर विषय है कि इस देश के अंदर जो वास्तव में राम का देश है, भगवान राम इस सृष्टि के नियंता हैं और पूरे सृष्टि के लिए बेसिकली अभी एक आदर्श पुरुष भी हैं। जैसा राम नायक जी ने कहा, ये कोई नई बात नहीं कही उन्होंने, कोई अप्रत्याशित बात नहीं कही। वास्तव में देखा जाए तो आज से अभी हमने गीता जी की 5151वीं जयंती मनाई थी और ये बात है हमारी द्वापर युग की और त्रेतायुग उससे कई हजार वर्ष पुरानी बात है। लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व जब भगवान राम इस धरती पर पैदा हुए थे, उस समय आपको पता है कि न तो कोई क्रिश्चियनिटी थी, न कोई इस्लाम था, न कोई आजकल के कोई और तथाकथित मतावलंबी मतों को मानने वाले लोग थे। भगवान राम और राम राज्य ये एक सबसे बड़ा आदर्श था और वास्तव में उन्हीं के हम सब वंशज हैं। आज चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय को बिलोंग करने वाले हों, इसलिए जो बात है उस पर अनावश्यक रूप से राजनीति करने का अर्थ नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि मंदिर तो बनना ही चाहिए, भव्य मंदिर बनाने की आवश्यकता है, मंदिर तो बना हुआ है। विनोद जी आपको बीच में रोकना चाहेंगे। जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, उनसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। जिलानी साहब,
क्या आपको लगता है जिस तरीके से राम नायक जी का ये बयान आया है उससे राम मंदिर के निर्माण की मांग जो है वो और तेज होगी और सरकार पे दबाव बनेगा कि ये 5 साल के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण करे? वो देखिए, राम नायक जी का बयान जो अभी आपने बताया वो रामचंद्र जी के बारे में है। रामचंद्र जी की शख्सियत से, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने से किसी को कोई इनकार नहीं है। हमारे बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल ने उनको इमाम हिंद बताया था। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बने कि न बने, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है कि उस जगह पर कोई तामीर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि यह मुकदमे का फैसला ना हो जाए। लिहाजा कोई बात राम नायक जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, ना वो कहेंगे। तो आप ये जो, अगर ये सरकार चाहती है कि राम मंदिर जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर बनाया जाए, तो इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि इस मुकदमे की सुनवाई जल्द अज जल्द कर ली जाए। हम भी इनसे सपोर्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मुकदमे की सुनवाई करके और अपना अंतिम निर्णय दे दे। बिल्कुल जिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो इस देश की जनता, वो देश की जनता मानेगी। बिल्कुल जिलानी साहब, हम सहमत हैं आपसे, चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार यदि अपने इस 5 साल के कार्यकाल में नहीं बनाती है मंदिर तो उन पर दबाव बढ़ेगा? क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी है, अपने लोगों की तरफ से भी प्रेशर है? आप भी कह रहे हैं कि ये हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, कोर्ट इसका फैसला कर दे। क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ दबाव में है कि कुछ जल्दी से फैसला करे, कोर्ट में ही जाए या सुप्रीम कोर्ट को ही इस तरीके से रिक्वेस्ट किया जाए? क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद से जो मांग और तेज होगी और इससे कुछ मुश्किलें बढ़ेगी सरकार की? नहीं, हमारा ख्याल ये कि सरकार बिल्कुल दबाव में नहीं है। ये सब जो जो सरकार के मुख्तलिफ लीडर्स आरएसएस के हों या विश्व हिंदू परिषद के हों, वो जो बयान देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि लोग ये मुतमईन रहें कि सरकार सोच रही, सरकार इस पर कुछ नहीं सोच रही है ये, और सरकार नहीं चाहती है कि 5 साल में मसला हल हो। अगर सरकार चाहती तो अब तक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दे देती। सरकार को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे के हल के लिए कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे, तो सरकार इस पर कोई जल्दी में नहीं है। यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके मुतालिक लोग अलग अलग बयान देते हैं, सरकार बिल्कुल इस मामले में सीरियस नहीं है। बिल्कुल जिलानी साहब, आपके इस सवाल, आपने जो सवाल उठाया है बीजेपी के प्रवक्ता से, हम इसका भी जवाब लेंगे। कि फिलहाल विनोद बंसल जी हमारे साथ है। विनोद जी, आप जिलानी साहब को सुन रहे होंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए जिलानी साहब की, एक तो सबसे बड़ी बात तो मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है कि ये उस ढांचे को मस्जिद कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की ये सरासर अवहेलना है। इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोर्ट की अवमानना न हो, एक बात, क्योंकि वो तीनों जजों ने सर्वसम्मति से कहा था कि राम जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़ करके उसी के मलबे से ही वो ढांचा बनाया गया था, जिसका मस्जिद जैसी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी प्रकार से मस्जिद नहीं मानी जा सकती, ऐसा तीनों जजों ने सर्वसम्मत रूप से कहा था। ऐसी स्थिति में इनको ये कहना कि ये मस्जिद था, एक तो इस बात पर मुझे तीखी आपत्ति है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें ऐसा है कि देखिए, इसका समाधान संसद के द्वारा हो सकता है। पूज्य संतों ने आज से 5 वर्ष पहले ही कह दिया था कि भाई इसका समाधान अब जो है ना, क्योंकि न्यायालय ने जो निर्णय करना था वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बाकायदा साक्ष्यों को सुनकर के 50 साल के डिटेल डिस्कशन के बाद में ये डिस्कशन हुआ है, तो अब इस विवाद में कोई विवाद नहीं है। इनका तो मुकदमा पूरी तरह से खारिज हो चुका है, अभी जिलानी साहब का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक ही बात रहती है, जो जमीन के 3 टुकड़े किए जो कि किसी भी पक्षकार ने नहीं चाहे थे, वो एक त्रुटि रह गई है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। अब उसका समाधान दो है मुकेश जी, कि एक तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सितंबर 2010 का हाईकोर्ट का निर्णय था, आज लगभग 5 वर्ष होने को हैं, अभी तक उसकी बेंच तक गठित नहीं हुई है। ये हिंदुओं के साथ एक तरह से एक सोचने वाली बात है, एक बात। दूसरी बात ये कि संसदीय कानून के द्वारा
इस मामले का समाधान करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि अब ये बात नहीं रही कि वहां पर क्या था क्या नहीं था। ये भी है कि आपकी सरकार आपकी है, आप सीधे तौर पे नहीं लेकिन पार्ट आप जुड़े हुए जरूर हैं उससे, आप दबाव बना सकते हैं सरकार को, क्या आपकी तरफ से किसी तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है? जिस तरीके से प्रवीण तोगरिया घूम घूम के कह तो रहे हैं कि बनना चाहिए राम मंदिर और जल्द से जल्द बनना चाहिए, लेकिन वो भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहे हैं, सरकार को उस तरीके का कोई दबाव या कोई आंदोलन तरह की चीज नहीं की जा रही है आपकी तरफ से, जो सरकार पर दबाव बने कि मंदिर भाई बनाओ, राम के बिना काम नहीं चलना है। देखिए, राम के बिना काम तो कभी चला ही नहीं और न ही चलने वाला। भगवान राम की कृपा इस देश पर है तभी आज इस प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दुर्भाग्य इस देश का है कि हम तो बैठे हैं ठाट में और भगवान बैठे हैं टाट में। ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार जो है जल्दी से जल्दी इस बारे में कार्रवाई करेगी, हमें पूरी उम्मीद है इस बारे जी, में बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है। जिलानी साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आपकी बात से सहमत नहीं है विनोद बंसल जी? जी जी, मेरी बात जी को रही। देखिए बंसल साहब इतनी बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के दो जजेस ने उस जमीन को तीन हिस्सों में बांटा है और वो कह रहे हैं कि पूरा हिस्सा राम मंदिर का मान लिया गया है। जी, हाई कोर्ट ने कहा है कि एक तिहाई हिस्से पर मस्जिद की तामीर होगी और वो कह रहे हैं कि मस्जिद वहां है नहीं। तो अब इनका इससे इतनी बड़ी गलत बयानी का हम क्या जवाब दें? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई विवाद नहीं है, हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में छह अपीलें दाखिल हैं, एक इनके खिलाफ है और दूसरा उस अपने फैसले के खिलाफ है, और ये कह रहे हैं हमारा कोई मसला नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला है। तो आपको जी कहां खारिज हो गई? मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हमारी अपील है, खारिज कर दी ना नहीं सुप्रीम कोर्ट में? जी नहीं, आप तो गलत कर रहे हैं, हाई कोर्ट का हमारा एक तिहाई हिस्सा माना है, एक हाई कोर्ट ने हमारा एक तिहाई हिस्सा माना है, हाई कोर्ट ने हमको एक तिहाई सूट डिक्लेयर किया है। लेकिन लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए तीनों जजों ने ये कहा है कि ये राम जन्मभूमि थी और वहां पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, बात आपको पता होना। आप गलत कह रहे हैं, नहीं नहीं, जजेस ने कहा है, ये कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा है, जज ने माना है कि जो 250 प्लस तक वहां पर नमाज होती रही है, वो मुसलमानों की इबादत होती रही है, ये जो जजेस का फैसला है, जस्टिस अग्रवाल का और जस्टिस अश्विन खान का। मैं आपको सुनाता हूं, आप जजमेंट पढ़ लीजिए, आप जजमेंट को डिस्कॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जजमेंट को मिसकोट नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ, आपको आपको वो बात याद होनी चाहिए सर, आप मिसकोट कर रहे हैं, जिसमें आपने स्वयं हमें सब याद है, आपको अपनी बात याद रहनी चाहिए। आपने आपने हलफना में देकर कहा था कि ये जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई बनाने की बात सही पाई जाती है, तब मुस्लिम विवादित हिस्सों को सौंप देंगे। अरे भाई कमाल है, बिल्कुल भारत सरकार के जो व्हाइट पत्र जारी हुआ था भारत सरकार का, उसके क्रमांक, अरे भाई मैं आप कह रहा हूँ कोई एविडेंस नहीं है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ आपको, पत्र कोई एविडेंस नहीं है। अरे भाई आप सुनिए तो सही, आप श्वेत पत्र कोई एविडेंस नहीं है, आपने खुद कहा है, आप गलत बयान कर रहे हैं ना, भारत सरकार का भाई वो, अरे भारत सरकार ने श्वेत पत्र के क्रमांक 2.1, 2.2, 2.3 के अनुसार कहा है, सरकार के कोई एविडेंस नहीं है, गलत कह रहे हैं आप सर, ये कोई एविडेंस नहीं है कि वहां पर हमने मंदिर तोड़ के बनाया। आपके तो अब आपको आपको शर्म आना चाहिए कि आप अच्छा गलत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं झूठ बोलने का, आपको झूठ बोलने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज पार्लियामेंट्री वर्ड है, मैं तो गलत कर रहा हूँ, अरे मैं एविडेंस दे रहा हूँ आपको, आप जजमेंट बताइए, आपको क्या एविडेंस, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपने जजमेंट पढ़ाई नहीं है, मैं बताता हूँ, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने क्या कहा था, हिंदुओं की श्रद्धा और विश्वास के अनुसार विवादित भवन के गुंबद मध्य गुंबद के नीचे का भाग भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, कहा था कि नहीं कहा था? क्या न्यायमूर्ति सुधीर ने ये नहीं कहा था कि विवादित अग्रवाल साहब ने कहा है का जन्म स्थल है, अग्रवाल साहब ने कहा है प्राणी है, अग्रवाल साहब का जन्मभूमि का पूजन भी रामलला के समान देवी मानकर होता रहा है और देवत्व का यह भाव शाश्वत है, यह सर्वत्र रहता है, हर समय रहता है, और वह भाव किसी भी व्यक्ति की
किसी भी रूप में भक्ति की भावनाओं के अनुसार प्रेरणा करता है। देवत्व का यह भाव निराकार भी हो सकता है, मेजॉरिटी जजमेंट निराकार में भी हो सकता है। आप देखिए राम जन्मभूमि मेजॉरिटी जजमेंट अग्रवाल साहब का इस्तीफा देता है। कोर्ट ने यह कहा है कि वो पूरी भूमि देवता है, पूरी भूमि देवता है, ये इसलिए वो सभी समस्त भूमि नहीं, कोर्ट ने कहा दो जजेस ने नहीं कहा है, गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल जिलानी साहब और आप दोनों को बीच में थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, एक बाइट सुनाते हैं। इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड है जहां राम नाईक जी ने कहा था कि 5 साल के भीतर जो है वो राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए मोदी सरकार को, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं जनता पार्टी के सांसद, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। हम लोगों की सारी आंदोलन और बीजेपी की पार्टी पावर में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने राम जन्मभूमि, कृष्णा जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए हमने लड़ाई की। ये राम मुसलमान भी कहता था कि यह इमाम हिंद है, तो हमें तो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम देखते हैं, वो देवता है, और ये मंदिर वहाँ पहले था, इसको दोबारा बनाएंगे। क्या सुब्रमण्यम स्वामी के DNA में राम है? DNA मैं तो राम का सांस ही लेता हूँ, मैं तो कहता हूँ राम के लिए, राम सेतु के लिए मैंने लड़कर उसको बचाया, जब लोग सारा आशा खो बैठ गए थे कि वो सेतु समुद्रम किससे टूट जाएगा, परंतु मैं राम में विश्वास करता हूँ, उसमें वो मुझे बल देंगे और मैं जरूर इस 2 साल के अंदर राम मंदिर बना के देखने चाहता हूँ। वापस चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे से जफरयाब जिलानी के पास और विनोद बंसल जी के पास। विनोद जी और जिलानी साहब, आप दोनों ने बाइट सुनी सुब्रमण्यम स्वामी की, क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब वही कह रहे हैं कि 2 साल में मंदिर बनाने की ख्वाहिश है, लेकिन फैसला कैसे होगा? बिल्कुल फैसला होगा ना, आप लोग मिलकर करोगे ना जी। अरे जिलानी साहब आपको आगे आना चाहिए, अब वो चीजें नहीं रही, अब आपको शहर से स्वीकार करके और हिंदू समाज को ये भूमि अपने जो आपने वादे किए थे उसके अनुसार सौंप देनी चाहिए। अब और कोई विवाद नहीं बचा, अब उसको जबरदस्ती तूल दोगे तो निश्चित रूप से हिंदू समाज दूसरे रास्ते जानता है, इसलिए अपने को मिल बैठ करके उसको समाधान चाहिए। आप धमकी मत दीजिए, हिंदू समाज दूसरे रास्ते जानता है तो मुसलमान भी दूसरा रास्ता जानता है। नहीं, मुसलमानों का बाबर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, देश संविधान से चलेगा, आपकी धमकी से नहीं चलेगा, बाबर आपको धमकी मत दीजिए, ये देश जो है वो संविधान से चलेगा और जहाँ पर हिंदू और मुसलमान सबका सबकी आस्था बराबर की है। कहीं से आपकी आस्था से आदर करना सीखिए, बहुसंख्यक हिंदू समाज को संविधान सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हक करके आप इस देश के अंदर नहीं जी सकते। आप देखिए, आपको मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको नहीं, हम आपकी भावनाओं के नहीं, हम सिर्फ संविधान से लड़ते हैं, हम आपकी भावना से नहीं लड़ते। मुझे बताइए, आप सब हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, हिंदू समाज 70 सदी चाहता है कि न्याय हो, इसमें न्यायपालिका का आदर हो, न्यायपालिका का निर्णय हिंदू समाज को मान रहे, आप हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। देखिए, हिंदू समाज है जो न्यायपालिका का आदर करता है, आपने आदर नहीं किया। अगर आपने न्यायपालिका का आदर किया तो कोर्ट में एफिडेविट आपको याद होता, आपको पता होना चाहिए, मैं कोर्ट इन कोर्ट बता रहा हूँ। आप गलत कह रहे हैं, वचन दिया था राइटिंग में लिख करके, हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया। गलत कह रहे हैं क्या आप? गलत कह रहे हैं, कैसे नहीं दिया कोई एफिडेविट? दिखाइए कौन सा एफिडेविट हमारा, और आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिखाइए, तत्कालीन इनको दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट आप रिपोर्टर को दिखा दीजिए, कोर्ट ने कहा था इस बात को सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई सुनिए बात को, आप अभी हाईकोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हाईकोर्ट में आप मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। रामलला अयोध्या में बाबरी मस्जिद में नहीं पैदा हुए, अयोध्या में कहीं पर पैदा हुए? बाबरी मस्जिद तो थी नहीं, बाबरी तो कोई थी नहीं वहाँ पर, कैसी बात कर रहे हो, वहाँ ना मस्जिद थी ना कोई बाबरी थी। और जिलानी साहब, इस बात का फैसला अभी होना है, ये बात अभी कोर्ट में है, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पे कुछ नहीं कह सकते। मुकेश जी, ना ना गलत बात कह रहे हो आप, मुकेश जी आपको नहीं पता, ये आप गलत कह रहे हैं कि इसका फैसला होना है, फैसला इस बात का तो हो चुका कि वहाँ क्या था। ये फैसला बिल्कुल सर्वविदित सत्य है,
कि वहाँ पर रामलला विराजमान जहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, उस बात को तो कोर्ट भी मान रही है बंसल जी, इस बात को हम भी मान रहे हैं। मैं जिलानी साहब को ये बात बोल रहा हूँ जो वो बता रहे हैं कि इस बात का फैसला तो हो चुका है। अब जमीन मस्जिद कहाँ बने और मंदिर कहाँ बने, इस बात पर चर्चा होनी है। इसमें आपको एक बार जिलानी साहब गलत कह रहे हैं आपको इस बीच में असादुद्दीन उबैसी साहब की भी एक प्रतिक्रिया हमारे पास आई है, मैं उनको पहले सुना देता हूं, उसके बाद आपके साथ चर्चा ये जारी रहेगी। पहले सुनते हैं जो असादुद्दीन उबैसी साहब ने क्या कहा है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं इस बयान को, इस थोड़ी देर में बयान को हम लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बंसल साहब, आप जो जिस तरीके से कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला हो चुका है इसके बारे में, इस बात से हम भी सहमत हैं। जिलानी साहब शायद इससे सहमत नहीं है, क्या कहेंगे जिलानी जी आप? फैसला जो भी हाईकोर्ट का है वो पूरे का पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। वो फैसला आज की तारीख में आदेश में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पूरा फैसला तय करेगा। ये बंसल साहब को मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट का फैसला आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, जब वो स्टेट है, स्टेट होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट तय करेगा पूरा मामला। लिहाजा कोई बात नहीं, आज की उसको आप नहीं कह सकते कि ये फैसला निर्णित है। जी जिलानी साहब एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, बात राम नाईक के बयान की हो रही है कि राम नाईक ने जिस तरीके से बयान दिया है कि हर हिंदुस्तानी के खून में डीएनए है, आप इससे कितना सहमत है? चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं। देखिए वो हमारे राज्यपाल हैं, उनके बयान पर कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, इस बीच हमारे पास ओबैसी की बाइट आ चुकी है, आपको फिर से सुनाते हैं एक बार असदुद्दीन ओबैसी साहब ने क्या कहा है इस पूरे मसले पे, राम नाईक जी के बाइट पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। पहले उनका डीएनए कराना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि उनके डीएनए में क्या है। वो एक गवर्नर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए, उनको जेब नहीं देता कि इस तरह की बातें वो करें और बार बार इस तरह कहना, ये गलत है। वो एक और प्रतिक्रिया हमारे पास है, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं केसी त्यागी जी ने भी कुछ इसी तरीके की बातें करी है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। जी हाँ, आपने तकनीकी खराबी के कारण शायद ये बाइट नहीं सुना पा रहे हैं, थोड़ी देर में सुनाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिलानी साहब बताएं किस तरीके की प्रतिक्रिया है आपकी, उबैसी साहब जिस तरीके से कह रहे थे पहले उनका डीएनए कराना चाहिए। देखिए मैंने कह दिया कि चूंकि वो हमारे प्रदेश के राज्यपाल हैं, मैं उनके बयान पर कोई पब्लिक कमेंट नहीं कर सकता हूं। जी ओवैसी साहब की अभी आपने सुना बयान, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जाकर राम नाईक जी को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद बात कहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिलानी साहब को लगता है समय की कमी है, उन्हें कहीं और है वो। बिल्कुल बिल्कुल, जिलानी साहब बताएं अपनी बात पूरी करें। हाँ मुझे जाना है जी। हाँ बिल्कुल जिलानी साहब, मैंने अपनी बात कह दी कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय में रहते हुए हाईकोर्ट का जजमेंट स्टेड है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर गवर्नमेंट चाहे और सिंसियर हो तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे, वहां एप्लीकेशन दे कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द कर ली जाए। हम भी गवर्नमेंट की इस बात को सपोर्ट करेंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय फाइनल नहीं होता है वहां पर कोई तामीर नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, पूरा देश इसको मानता है। किसी को हिम्मत हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम करने की तो वो काम करने के दिखाए। हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता है, सरकार भी नहीं कर सकती है और न विश्व हिंदू परिषद कर सकता है, न कोई कर सकता है। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द मुकदमा तय करने के लिए सरकार दरख्वास्त दे ताकि मामले की सुनवाई हो सके। ठीक है जफरयाब जिलानी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आपने जो बात करी उस पर चर्चा हालांकि हम जारी रखेंगे। विनोद बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं केसी जैन साहब जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक बार केसी त्यागी जी ने क्या कहा है। स्थानिक पदों पर बैठे
व्यक्तियों को उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उनका ये वक्तव्य आपत्तिजनक है और राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपालों को वो निर्देश दें कि वो संविधान के प्रति वफादार रहें, न कि पार्टी के प्रति। जी हाँ, केसी जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं इसी मसले पे। केसी जैन साहब, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? नमस्कार जी। जैन साहब, जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल ने बयान दिया है कि हर एक हिंदुस्तानी के डीएनए में राम बसे हुए हैं, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि 5 साल के भीतर राम मंदिर का निर्माण कर देना चाहिए सरकार को, हो जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राज्यपाल एक ऐसा विधिक पद है जो राजनीतिक पार्टियों से अलग है, तो राज्यपाल को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और माननीय महामहिम जी राज्यपाल जी पहले भी इस तरीके के कई वक्तव्य दे चुके हैं जिसपे सवाल जवाब भी माननीय आजम खान जी से उनका हुआ, तो इस तरीके की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए कि जो कि राज्यपाल की गरिमा के खिलाफ हो। और राज्यपाल का पद एक विधिक पद है, किसी पार्टी का पद नहीं है, लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल जी लगातार पता नहीं क्यों एक स्टेटमेंट देते हैं वो लगता है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में वो है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप राम मंदिर की बात करना चाहते हैं तो विधिक रूप से जो सही हो वो हो, और अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप कानून बना के उसको लागू करिए। लेकिन राज्यपाल को इस तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो कि गैर जिम्मेदाराना हो और एक पार्टी विशेष का स्टेटमेंट। जैन साहब, इस तरीके का बयान केवल राम नाइक जी ने नहीं दिया, इससे पहले प्रवीण तोगरिया भी इसी तरीके की बातें करते आए हैं, और इसके बाद जो बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा है उन्होंने भी जो है उन लोगों ने भी इस तरीके के बयान दिए हैं लगातार। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और इस तरीके के जो बयान लगातार आ रहे हैं, इससे सरकार को, स्टेट की जो आपकी सरकार है उसको और केंद्र की सरकार दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में भी कोशिश की जा रही है और इसका चुनावी और राजनीतिक फायदा भी लोग जो है उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरीके की बात पे लगाम लगाई जानी चाहिए या राम मंदिर के मसले को जल्द से जल्द हल करके राम मंदिर का निर्माण वहां करवा देना चाहिए ताकि ये मुद्दा ही नहीं रहे राजनीति के लिए? देखिए, राम मंदिर का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बना रखा है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी चाहती भी नहीं है, उस पर हल भी नहीं चाहती है, कोई निर्णायक हल हो वो उसको एक मुद्दा बनाए रखना चाहती है। और जब भी चुनाव आते हैं तो ये जो है चिराग में से जिंदगी तरीके से मुद्दा बाहर आता है और इस पर फिर राजनीति होती है। वो चाहे प्रवीण तेवड़िया हो, चाहे प्राची हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे ये आपके सांसद जी योगी आदित्यनाथ जैन साहब, ये आरोप तो लगते हैं, बिल्कुल आरोप जैन साहब आप विपक्ष की ओर से ये आरोप तो लगते हैं कि चुनावी फायदा के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के इमोशन से भी जुड़ा हुआ है, तभी लोग मोटिवेट भी होते हैं और इस इशू को लेकर के वोटिंग करते हैं यदि, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ मामला तो है ही ये। नहीं, देखिए ऐसा है कि तमाम सारे मामले ऐसे होते हैं जो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सत्ता की जिम्मेदारी और जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अब वो माहौल बिगाड़ना बहुत आसान काम है, लेकिन माहौल को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, नए आदान को बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है। तो ये जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेदारी है। आप तो वो सिर्फ एक मुस्लिम वर्ग ने ना तो वोट दिया है, ना सिर्फ हिंदू वर्ग ने वोट दिया, अगर आप सांसद हैं तो सबके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि कोई एक लड़की को ले जाता है, आप 100 लड़की को लाइए, एक सिर कलम होता है, 100 सिर कलम रहेंगे, ये कितनी बयानबाजी है, इस तरीके से बिल्कुल। जैन साहब आप बने रहे हमारे साथ, विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी विनोद जी, बताएं। देखिए, मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूँ, 3 बातें पूछना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, मेरी बात इको हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन साहब, कि आपने ये बात कही कि संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, मुझे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आजम खान जी ने पिछले दिनों कहा था कि भारत माता डायन है। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी का जन्मदिन पर जो पैसा आया है वो दाऊद इब्राहिम का लगा है, और उनको आतंकवादियों से अपना संबंध स्थापित करने में बड़ा फक्र महसूस होता है। जब अलीगढ़ में
जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो वहां पर हिंदुओं के साथ दुराय किया जाता है। आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो धर्मांतरण का मामला आया था, वहां पर स्वयं केंद्रीय आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं आजम खान जी, स्वयं उन्होंने कहा था कि या तो धर्मांतरण कर लीजिए और नहीं तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। आखिरकार वो वाल्मीकि बस्ती के क्या यही खोट था? आखिरकार ये सब क्या संवैधानिक पदों पर नहीं है लोग? आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं जैन साहब कि क्या आप नहीं चाहते कि वहां पर भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने? जब जन्म स्थल पर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में जाकर बनेगा? और इस बात को अगर संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर किसी राज्यपाल ने कह दिया, आपको ऑब्जेक्शन हो गया, जो राज्यपाल टोपी लगा करके, हाफ स्कल टोपी लगा करके ईद में जाते हैं, ईद उल मिलादुन नबी मनाते हैं, आपने इसमें मुसलमानों को विभिन्न त्योहारों में जाते हैं, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अगर किसी ने यह कह दिया कि मेरे डीएनए में, भारत के डीएनए में राम है, तो पता नहीं कैसे क्यों मिर्ची लग जाती लोगों को। आखिरकार राम का देश नहीं है तो क्या बाबर का है? आप क्या ये समझते हैं कि बाबर का देश है ये? अरे भाई आपको पकड़ना चाहिए। जैन साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, अब ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके डीएनए में भी राम है। बात पूरी की तभी तो मैं जवाब दूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिए, बात पूरी हो गई। देखिए ऐसा है कि जो एक आरोप लगाया कि आजम खान जी ने इस तरह से कहा कि टोपी पहन लीजिए या मुस्लिम बन जाइए, तो किसी के कहने से इस तरीके से टोपी पहनने से दिल परिवर्तित नहीं हो जाता है। और ना तो इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई वीडियो आया, ना कोई रिकॉर्डिंग आई, ना किसी प्रेस के माध्यम से आया, इस तरीके से कहीं नहीं आया। जैन साहब नजरअंदाज मत करिए। और जैन साहब मैंने स्वयं बात की है लोगों से, वो रूप से ये गलत आरोप है। आप गलत आरोप नहीं है, मैंने स्वयं लोगों से बात की है। जैन साहब जो बात आप जरा चैनल पे वीडियो देख लो। और सारे धर्मों का सम्मान जैन साहब आपकी बात संविधान में है। जैन साहब हमने आपकी बात सुन ली, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ से हमारे साथ एक और गेस्ट डॉक्टर हिलाल नकवी साहब जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे हम जानना चाहेंगे। नकवी साहब क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है आवाज मिल रही है हमको। नकवी साहब ये बताएं, जिस तरीके से बयान आए हैं पिछले दिनों राम नाईक जी के, राज्यपाल हैं आपके राज्य के, क्या आपको लगता है कि इस बयान से जो है आपके राजनीतिक माहौल जो है वहां का खराब हो रहा है, या आप लोगों को किसी तरीके का भय है कि फिर से वो मामला आएगा और राजनीतिक रूप से आपका इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर हम दो बातें बोलना चाहेंगे मुकेश जी। पहली बात यह है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी भी राज्यपाल को इस प्रकार का बयान देना जो है वो शोभनीय नहीं है। वो राज्यपाल हैं, उनको केंद्र और राज्य के बिल्कुल देखिए आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। ये एक अलग मुद्दा है यहाँ, लेकिन बात ये कि ये मामला पहली बात ये है नकवी साहब, जिस तरीके से मामला है, दूसरी बात इस मामले को लेकर के क्या लग रहा है आपको, राज्य में राजनीतिक माहौल पर असर पड़ेगा? जी हमारे विवेक जी आप सुन ले दो मिनट तक। देखिए ये बात वो व्यक्ति लोग कह रहे हैं जिनके डीएनए में नाथुराम गाडसे जी हैं, जिनके स्वयं के जो डीएनए उसमें नाथुराम गाडसे हैं, वो जो है वो बाकी लोगों के डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके मुंह से ये शोभा भी नहीं देता इस प्रकार की बात करते हुए। विनोद जी जवाब देंगे इसका, विनोद बंसल जी। भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है आपको वो जो है उसके इंस्टीट्यूट से हमारे मत करिए, सारे के सारे भारतीय उनको पुरुषोत्तम राम मानते हैं। तो इस वजह से पुरुषोत्तम राम जैसे महान पुरुष का नाम लेने वाला वो व्यक्ति जिसके जीवने में नाथुराम गाडसे, इस पर हमको घोर आपत्ति है। विनोद जी जवाब दीजिए, है कि नहीं है, आप मानते हैं कि नहीं मानते ये बताइए। हिलाल साहब आप तो स्वीकार करते हैं नहीं करते, आपके डीएनए में तो होने चाहिए ना। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट सी है, ये जो डीएनए की बात कही जाती है तो डीएनए जो है ये टेस्ट कैसे होगा, ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ नाथुराम गाडसे जी से तो डीएनए टेस्ट हो सकता है, मैं बताता हूँ, लेकिन रामचंद्र जी से डीएनए कौन मिला पाएगा? किसमें इतना पुरुषार्थ है कि वो पुरुषोत्तम राम जी से अपना डीएनए मिला पाए? तो इस वजह से इसको जो है वो जय दिलाई, ये बहुत सरल काम नहीं है। और हम मैं नहीं मानता हूं, कम से कम भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति इतना पुरुषार्थ रखता है कि वो पुरुषोत्तम राम से अपना डीएनए मैच करा पाएगा, पहले उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए जो कि नाथुराम गाडसे के साथ मिला हुआ है।
तो जिन लोगों का डीएनए राजूराम गाछे के साथ मिला हुआ है वो पुरुषोत्तम राम जैसे महान व्यक्ति का नाम लेते वही उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है कि चुनावी रणनीति के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है? नकवी साहब, क्या लगता है आपको कि चुनावी रणनीति के तहत चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से, जी निश्चित रूप से। एक तरफ ये पुरुषोत्तम राम जी का नाम लेते हैं, दूसरे तरफ गांधी जी के नाम से प्रशस्ता अभियान चलाते हैं, और तीसरी तरफ बीजेपी के नेता मंदिर बनाते हैं और महाराष्ट्र जुड़ने वाले थे विजय बहादुर पाठक, विजय बहादुर पाठक से भी बात कराए दर्शकों की। मुझे लगता है ये कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को भूल गए कि न तो राज्यपाल का पद और न ही विश्वहिंदू परिषद, दोनों का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये कभी राजनीति में रहे न रहेंगे, न राज्यपाल कभी राजनीति में खड़ा होता और न ही राजनीति में रहेगा। आरएसएस के बहुत से सारे जिनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल फर्क है, तो आपका चाल चरित्र और चेहरा यही है। आपके दिल में तो है नाथुराम गाडसे, लेकिन जबान के पास आप रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। आप जो कहते रहे कि आप जो है वो राजनीति राम 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 राजनीतिक दल, आपको क्यों शर्म आ रही है? मुझे बताइए आपको राम से जोड़ने में क्यों शर्म आ रही है? आप बाबर से जोड़ने में क्यों शर्म महसूस करते हैं? अगर अगर किसी ने ये कह दिया, अगर किसी ने ये कह दिया गाछे जी है जो नाथुराम गाछे जी का मंदिर बनवा रहे हैं, जो वो जो है वो विषयांतर मत करिए, विषयांतर मत करिए। तो शर्म की बात तो आपके लिए भी है, समझ भारतीयों के लिए शर्म की बात है कि नाथुराम गाछे का डीएनए रखने वाले लोग आज की तारीख में पुरुषोत्तम राम जी का नाम दे रहे हैं, पुरुषोत्तम राम जी का नाम देकर के उसको जो है राजनीति कर रहे हैं। राम की हो रही है बात है कांग्रेस का, यही तो समस्या है, बात देने की हो रही है, यही तो समस्या है कि बात कहीं की हो रही है, बात कहीं हो रही है। नाथुराम गाडसे बात को, बात को आप बताइए, मुझे मुझे बताइए कि भगवान राम, भगवान राम इस देश के नाथुराम गाडसे का डीएनए है या नहीं है? एक मिनट, आप इस के बीच में हम आपको सुनाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मसले पे, हम उनकी बाइट भी सुन लेते हैं, बीजेपी के रिएक्शन क्या है इस पे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भगवान श्री राम के संदर्भ में जो कुछ बोला है उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। भगवान राम उन श्रेष्ठ मानवीय जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं जो भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी समाज को चलाने के लिए और निजी जीवन में प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है। और तो सुना आपने कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का क्या कुछ कहना था। आइए फोन लाइन पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय बहादुर पाठक, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में। आपको विजय बहादुर जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। जी जी नमस्कार। विजय बहादुर साहब, बात कर रहे हैं हम राम नाईक जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी के खून में डीएनए है। अभी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं हिलाल नकवी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये बात पहले पुख्ता हो जाए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तान के खून में डीएनए है, उनके खून में नाथुराम गोडसे का डीएनए है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हिलाल नकवी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और उन्हें नाथुराम गोडसे से प्रेम है तो वो उनकी बात कर रहे हैं जी, पर क्या महापुरुष नहीं बदल जाएंगे ना? और पहचान है महाराष्ट्र के सारे दिवस आप मनवा रहे हैं, उनके मंदिर आप बनवा रहे हैं, तो बदल नहीं जाएंगे। राजनीतिक बयान आगे पीछे हो सकता है और अगर वो नाथुराम गोडसे की प्रशंसा करना चाहते हैं तो वो हिलाल नकवी जी का विषय है, पर राम हमारे आराध्य हैं, हमारे युग पुरुष हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं और ये सत्य बदलेगा नहीं। मुझे लगता है कि राम नाईक जी का जो बयान है उसी संदर्भ में कुछ कहने की बात थी। विजय बहादुर जी अभी हम चर्चा में हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब भी जुड़े हुए थे कि बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक थे, उन्होंने कहा कि ये मंदिर का, इस मंदिर राम मंदिर का निर्माण जो है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी देनी चाहिए कि जल्द से जल्द सुनवाई करे ताकि जो लोगों की भावना है वो जल्द से जल्द पूरी हो, राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो और इस पर राजनीति ना हो। क्या कहेंगे, क्या आपकी पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से इस तरीके का कोई अर्जी या सुप्रीम कोर्ट के पास आप अप्रोच करेंगे? भव्य और दिव्य मंदिर बने
इस बात को लेकर कोई किसी में कोई संशय नहीं है और आपसी सहमति या न्यायालय के फैसले के बाद ये बने, पर स्वाभाविक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है वो इस समय विकास को लेकर के है। देश की जनता आप जानते हैं कि आज भी शौचालय नहीं है गाँव में, आज भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, हम उन प्राथमिकताओं पर काम कर रहे हैं और हम जरूर यह अपेक्षा करते हैं कि न्यायालय इस मामले में शीघ्र फैसला देगा, करोड़ों लोगों की जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए देगा और राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नकवी साहब क्या कहेंगे आपको, प्राथमिकताएं बदल रही है? जी विजय बहादुर साहब ने जो बात कही है वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये केवल उनका चुनावी एक मंत्र है कि जब कभी भी चुनाव निकट आता है तब राम मंदिर जी याद आते हैं, तब रामचंद्र जी याद आते हैं और जैसे ही चुनाव निकल जाता है उसके बाद में फिर वो अगले इलेक्शन के लिए उसको जीवित रखना चाहते हैं। इनका खुद का भी कोई भी इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पर राम मंदिर बने। अगर इसमें कोई इंटरेस्ट होता कुछ होता तो निश्चित रूप से जो इनका अपना मैनिफेस्टो उसका आखिरी बिंदु ये ना होता, उसका शीर्ष बिंदु ये होना चाहिए था। लेकिन उसका विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने दिखाता है कि इस प्रकार का कोई इरादा नहीं है। विनोद जी बताएं। भाई मैं नकवी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि देखो अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने आखिरी बिंदु में राम मंदिर को रखा तो क्या इनका कहीं कोई बिंदु था कांग्रेस का जिसमें कहीं रखा था राम मंदिर को इनके मैनिफेस्टो में? एक बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने बार बार नाथुराम गोडसे की बात कही लेकिन ये भूल गए कि महात्मा गांधी स्वयं हे राम कहते मर गए और उससे पहले भी उन्होंने कहा था, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि महात्मा गांधी आपकी अगर आप सत्ता आपकी आती है तो पहला कानून कौन सा बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं गौवत्ता। देखिए नकवी साहब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए बात को, आप सुनने के बाद बोलिएगा, मेरी बात को सुनिए, ज्यादा उबलने की जरूरत नहीं है, अब आपका दिन खत्म हो गया है, जरा सुन लीजिए पूरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश में हमारी सरकार बनती है तो अगर कांग्रेस अगर जनता जो है वो अगर अगर तो अच्छे दिन आपके खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन के समाप्त। नकवी साहब अपनी बात रखने दीजिए इनको, उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा। सुनना ही नहीं चाहते। नकवी साहब मैं ये बात बड़ा विनम्रता के साथ कह रहा हूँ आपको कि आपको ये याद रहना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला कानून भारत के अंदर से गौहत्या को रोकना है। दूसरा कानून अगर बनेगा तो ये बनना चाहिए कि देश के अंदर जो धर्मांतरण की जो लॉ जली हुई है उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। धर्मांतरण और गौहत्या ये देश के लिए अभिशाप है। कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में इसमें क्या काम किया इस बारे में आत्मचिंतन की आवश्यकता है। वास्तव में महात्मा गांधी के हम अगर सच्चे वक्त हैं तो उनकी ये दो बातों को जो मूल बात थी और हे राम कहते हुए उन्होंने अपना स्वागत किया था तो राम के लिए कम से कम इतना तो कर दो यार कि वो जो जगह खाली कर दो जो रामलला की जन्मभूमि है। बिल्कुल तो कोर्ट में भी विनोद जी ये तो आपकी बात सुनी हमने, कांग्रेस की बात सुनी, बीजेपी की बात सुनी, जनता ने भी अपनी राय दी है, उसकी राय भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दो बाइट सुनाते हैं, दो बयान सुनाते हैं, कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है उनकी और जो बीजेपी की जो महिला अध्यक्ष सरोज पांडे जी और जो ओझा जी, दोनों की बात हम सुनाते हैं। पहले वो क्या कह रही है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जनता की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे बयान पे, इस पूरे मसले पे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, राम उनके डीएनए में तभी आते हैं जब चुनाव आते हैं, तो इसलिए सीधा सीधे वो राजनीति करते हैं, राम के नाम की रोटी सेकते हैं। नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि हम जब इसको बार बार चुनाव से जोड़ते हैं तो हम बार बार आघात करते हैं। विपक्ष के पास में कोई आरोप नहीं है और विपक्ष के पास जब आरोप नहीं होता है तो वो बार बार इस प्रकार की अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दूसरे दल पर इस प्रकार के आरोप लगाता है। सांप्रदायिकता का आरोप उसके पहले भी लगाते रहे हैं लेकिन इतने वर्षों में कभी इसको प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। मेरा बहुत स्पष्टता से कहना है कि आप आरोप को प्रमाणित करें, आप आरोप को अगर प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। और चूंकि अभी ये कोर्ट में है इसलिए हम इस विषय पर अभी कुछ कह पाने में सक्षम नहीं है क्योंकि अपनी संवैधानिक परिस्थितियां हैं। तो कोर्ट में अगर कोई है और कोर्ट में कोई विषय होने पर उसका कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। राज्यपाल का यह बयान देना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
राज्यपाल के जो शिरस्थ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और एक प्रदेश का सुप्रीम माना जाता है, ऐसे लिटिगेटेड केस में जो कि जिस पे न्यायपालिका कार्य कर रही हो, किसी प्रकार का इस तरह का बयान देना उस पद के लिए न्यायोचित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है, उनको राजनीतिक बात करनी नहीं चाहिए, पार्टी की बात, और यदि किया है तो राष्ट्रपति को सबसे पहले ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। भारत ये थी लोगों की प्रतिक्रिया जो कि उत्तराखंड से आई थी, जहां की कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड के लोगों का कहना था कि जो राज्यपाल का जो ये बयान है ये नहीं देना चाहिए था, इस तरीके का बयान। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है विनोद बंसल जी, वो भी जुड़े हुए हैं, जो नकवी साहब है वो भी जुड़े हुए हैं। नकवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी प्रतिक्रिया, हमारे पास समय बहुत कम है, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर जो अभी तक चर्चा हुई है उस पर जानना चाहेंगे, इस बयान पर तो आपने काफी कुछ कह दिया है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है माफ कीजिएगा कि इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल जो बदल रहा है उसका नुकसान आने वाले दिनों में चुनाव में खास करके आपको उठाना पड़ेगा, आप शायद इसीलिए ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं मुकेश जी, जनता जो है वो बहुत समझदार है, जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि जब जब चुनाव करीब आता है तब तक इस प्रकार की बातें की जाती हैं, और जनता ने इस बात बहुत भलीभांति देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नाथूराम गोडसे के अनुयायी है, उन्हीं के मंदिर बनवा रही है, उन्हीं के नाम के ऊपर शौर्य दिवस मना रही है। तो वास्तव में ये वो लोग हैं जिनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। नकवी साहब, विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विजय बहादुर जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं नकवी जी की बात मुझे स्पष्टता से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरा फिर कहना है कि जो लोग इस सवाल को कर रहे थे, तो राज्यपाल भी एक व्यक्ति हैं और उन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं की है। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे रगो रगों में हैं, और स्वाभाविक रूप से जो तथ्य था उन तथ्यों को रखा है, और जिस कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में थे, जो संदर्भ था उस संदर्भ के तहत का है, कोई राजनीतिक बयान है। जो दूसरे लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति इस इशू पर वो लोग कर रहे हैं, राज्यपाल की कतई कोई मंशा नहीं थी, और ये तथ्य है, इन तथ्यों से ना आप निकाल सकते हैं ना मैं निकाल सकता हूँ, राम हमारे DNA में है। बिल्कुल विनोद बंसल जी, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे। देखिए, भगवान राम इस देश के कण कण में हैं, रग रग में हैं, और व्यक्ति व्यक्ति के अंदर हैं। पूरा विश्व उनको चाहता है, पूरा विश्व उसको मानता है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति अगर उसको सर्टिफिकेट दे या कोई व्यक्ति उसको नकार दे, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा तो यह कहना यह है कि अब आवश्यकता, अगर मान लो राम मंदिर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष से, विद्वेष से, और उनसे शुद्ध मानसिकता से ऊपर हटके सबको मिल करके प्रयास करके संसदीय कानून के द्वारा राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए, और एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए कि देश प्रगति के पथ पर बढ़ा है, उसको हमें और आगे लेके जाना है। जी बिल्कुल, विनोद बंसल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, स्पीच हमारे पास जो मेहमान जुड़े हुए थे इस पूरे चर्चा में, उन सबका हम धन्यवाद करेंगे। और एक इस बीच हमारे पास कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के सजेशंस ये भी है कि जो जमीन है, जो विवादित है, जो कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उस कोर्ट में वहां पर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लगा देना चाहिए, चाहे लोगों की जो पीने की, स्वच्छ जल पीने की जो समस्या है उनको। बिल्कुल, लेकिन गुजरात से भी हमारे पास कुछ मैसेजेज आया है जो SMS आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर राम मंदिर वहां जल्द से जल्द बनाने के लिए जनता की मांग कर रही है कि जल्द से जल्द उस मंदिर पे, उस जगह पे राम मंदिर बनाया जाए। अब बिल्कुल ईस्ट यूपी से, जहां पे ये पूरा मसला है, वहां पर अस्पताल बनाने की मांग आ रही है हमारे पास SMS के जरिए, जो कि TV स्क्रीन पे जो नंबर हम दिखा रहे हैं उसमें SMS भी आ रहे हैं हमारे पास। और ये प्रोग्राम के आखिरी में हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा जो SMS है, उस चुनिंदा SMS को हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कुछ मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं, कुछ वहां पर अस्पताल बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की मांग कर रहे हैं, और कुछ लोग वहां पर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इन सब मसलों से निकल करके वहां पर जो है कुछ और समाज के लिए किया जा सके। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, हम आज के कार्यक्रम में आपने जो भी देखा उसको लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया हुआ, आप मुझे ईमेल के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम
से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।